देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए इस वक्त हम खड़े हैं झाझा के शिव बाजार स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में। तस्वीरें पहले देख लीजिए कि ये शिव बाजार के मंदिर प्रांगण का नजारा है और ये जो लोग खड़े हैं, ये लोगों की जो तादाद है वो शिव परिवार की तादाद है और कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो है महाशिवरात्रि पर निकलने वाले शिव बारात को लेकर जबरदस्त तैयारियों में जुटे हुए। हालांकि कई झांकियां यहां पर निकाली जाती है लेकिन शिव बाजार की झांकी को देखने के लिए लोग भावुकता के साथ जो है रास्ते पर इंतजार करते हैं कि कब शिव बाजार की झांकी आएगी और वो अपना ध्यान केंद्रित करके उस आकर्षक झांकियों को देखेंगे। आपको बता दें कि विगत 35 वर्षों से जो है यहाँ पर शिव बारात जो है वो भव्य तरीके से निकाली जाती है और कहीं ना कहीं जो जुलूस होता है वो काफ़ी भव्य होता है, आकर्षक भी होता है और जो प्रतिमाएं होती है शिव जी की हो या फिर भूत वगैरह का जो एक स्टैचू बनाया जाता है वो काफ़ी वृहद पैमाने पर देखने लायक होता है। वो इसलिए चूंकि बच्चों के लिए भी वो आकर्षण का केंद्र बना होता है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है महाशिवरात्रि कमेटी के जो सचिव है रामू केसरी, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या कुछ हो रहा है जी, कैसे कैसे तैयारी तो बहुत सी जोर धूप हो रहा है और अनेकों तरह के भूत है, बेताल है और देखने के लिए बहुत कार्य प्रगति पर हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत ही धूमधाम से हम लोग निकाले जा रहे हैं क्योंकि पूरा झाझावासी का इसमें हम लोग का सहयोग भी है और सब मैं झाझावासियों को भी धन्यवाद देता हूं जो कि तन मन धन सारा चीज़ से कोविड को लेकर जो है पिछले बार को पड़ गया था, इस बार क्या कुछ इस बार पिछले साल कोविड लेके थोड़ा फीका पड़ गया, इस बार पिछले साल की कमी को देखते हुए इस बार भी हम लोग झांकी बड़ी ही धूमधाम से निकाले जा रहे हैं। किस तरह से जो बातें निकल कर सामने आई है वो कहीं ना कहीं यही बयां करती है कि कोविड के बाद जो इन लोगों का उत्साह है वो काफ़ी शीर्ष पर है और भव्य तरीके से झांकियां निकाली जाएंगी। दयाशंकर बनवाल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। दयाशंकर जी, क्या कुछ तैयारियां हैं? सर्वप्रथम बाबा का बारात 1 मार्च 2022 को संध्या 5 बजे से निकलना है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। झाझा का सबसे सुप्रसिद्ध बारात शिव परिवार शिव बाजार झाझा से ही निकलता है जो अपने आप में एक अनोखा है। यहाँ के बारात को देखने के लिए दूर दूर से गांव-गांव से लोग रोड पे खड़े रहते हैं कि नहीं शिव परिवार शिव बाजार का बारात बिना देखे वापस लौटेंगे नहीं। पिछले वर्ष लॉकडाउन में बहुत ही सूना लगा था, उसका इस बार हम लोग भरपूर सहयोग कर बहुत लंबी और बहुत खूबसूरत झांकी निकाल रहे हैं। काफ़ी संख्या में है, हमें खुद नहीं पता है। सबसे बड़ी बात है कलाकार जो होते हैं और जगह बाहर से आते हैं और ये शिव परिवार शिव बाजार की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ के खुद बच्चे बड़े अपने कलाकारी को दिखाकर इतने सुंदर ढंग से झांकी निकालते हैं जिसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। कहीं ना कहीं होने वाला है लोगों के लिए। बिल्कुल, शिव परिवार पहले से भी आकर्षक था और इस बार बहुत ज़्यादा आकर्षक रहेगा। देवाधिदेव महादेव की बारात शुभ विवाह दिनांक 21 मार्च को काफ़ी धूमधाम से शिव बाजार शिव परिवार की ओर से निर्धारित है। इस निमित्त हमारे शिव बाजार के और पूरे झाझा के लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं और आने वाला 1 मार्च जो शिव बारात होगा वो देखने लायक होगा। यह बारात इस विवाह की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देखा आपने कि हमारे साथ मंदिर कमेटी के लोग मौजूद थे। पहले तस्वीरें देख लीजिए कि ये बाबा का जो है ये मुख्य द्वार है और यहाँ पर ये जो शिवलिंग स्थापित है वो विगत कई वर्षों से है, दशकों पूर्व कह सकते हैं, लेकिन एक बड़ी खास बात यह है कि दुल्हन की तरह इस मंदिर को महाशिवरात्रि के दिन सजाया जाता है और लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। सुबह से ही भक्तों का जो ताता है वो लगा हुआ रहता है। हमारे साथ शिवम केसरी बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है, अध्यक्ष हैं महाशिवरात्रि कमेटी के, और क्या कुछ तैयारियां हुई हैं उनसे भी जानेंगे क्योंकि इस बार जो है युवाओं का हर्षोल्लास जो है वो भी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। शिवम, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तैयारी पर जोर शोर से हर साल की बात है, इस साल भी जुलूस हम लोग का बहुत भव्य रहेगा, मुख्य आकर्षण रहेंगे, बहुत से आकर्षण है, जुलूस पूरा भरदार रहेगा और झाझा के लोग के लिए बहुत ही आकर्षण रहेगा और पूरे झाझा के लोग इसमें निमंत्रण है, सबको आए, पूरा सहयोग दे, उनका सहयोग ही बहुत रहा है हमारे जुलूस में और सब तन मन धन से उन लोग का सहयोग रहा है, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ झाझावासी का। 15 से 18 गाड़ियाँ रहेगी।
जुलूस में और तरह तरह के भूत रहेंगे, कुछ हमारे देश के लिए, कुछ देश के लिए समर्पित कुछ रहेंगे हमारे लिए, और सब रहेंगे कलाकार जो है सारे यही के हैं या कुछ बंगाल से पला कलाकार आए हैं, कुछ हमारे शिव बाजार के ही है, कुछ झाझा के ही है, हम सब गायकी वगैरह की बात करें तो गायकी मंदिर में हमारी बहन कितने का प्रोग्राम होगा, बाबा का शादी हम लोग का मंदिर में होता है, जो कि बारात लौटने के बाद शादी का कार्यक्रम होता है मंदिर में, शिव मंदिर में जो गायकी का जो प्रोग्राम होता है, एक अलग गाड़ी रहती है गायकी की, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? गायकी तो इस बार कुछ कारणवश कैंसिल कर दी गई है, गायकी को इस बार मंदिर में किया जा रहा है, गायकी प्रोग्राम मंदिर में होगा, उसके बाद शादी का कार्यक्रम पूरा होगा, शिव बारात भव्य तरीके से निकालने के बाद मंदिर में सारी सारी व्यवस्था मंदिर में होगी।